माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार स्पेशल स्पेशल नमस्कार आप सभी को। और चूंकि मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स आप सभी मस्त एकदम व्यस्त होंगे और मस्त होंगे मेरे भाई, चूंकि एग्जामिनेशन हो चुका है। अब किस तरह का कटअप होगा, आपका कैसा एक्सपेक्टेड कटअप जाने वाला है, ये आपका कॉलेज है ABPIMS RML दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो अगर दिल्ली की बात करेंगे तो किस तरह से राउंड टू का कटअप और राउंड वन का कटअप 2022-21 में रहा, कंपेयर करते हैं और उसके बाद एनालिसिस करते हैं 2023 का कटअप कैसा होगा। लेकिन मेरे दोस्त, आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए काउंसलिंग के लिए, वो मेरे साथ जल्दी से जल्दी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि सीट अब बहुत लिमिटेड बचा है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको ऑल इंडिया का भी चॉइस फिलिंग बनाने वाला हूँ और के लिए स्टेट का भी हर एक राउंड का चॉइस फिलिंग बनाने वाला हूं। तो यहां पे आप देखो, सबसे पहले 2022 की बात अगर हम लोग करते हैं तो राउंड वन में जनरल कैटेगरी 663, 2021 में 658, मतलब मार्जिन बिल्कुल बहुत कम आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जो आप कटअप देख रहे हो 2020-21 का, इसलिए मैंने दिया है ताकि एक एनालिसिस हो सके कि भैया इतने ही दो चार नंबर का मार्जिन, पांच नंबर का मार्जिन हर एक कैटेगरी में रहता है और 2023 में भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेड कटअप हमारा होने जा रहा है। तो दोस्त, यहाँ ओबीसी कैटेगरी देखोगे 630, 621 पे क्लोज हुआ था, मतलब यही आपका ग्राफ होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस देखेंगे 644, और भैया यहाँ पे देखो 643, मतलब 640 प्लस पे ईडब्ल्यूएस में ही इस साल भी कॉलेज मिलेगा आरएमएल दिल्ली, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा एससी कैटेगरी 543, 552, भैया 545 प्लस ही मान के चलिए एससी कैटेगरी में सेफ जोन होगा आरएमएल दिल्ली के लिए 2023 में भी। और यहाँ पे एसटी कैटेगरी देख सकते हो आप ये आंकड़ा, इसलिए 415 प्लस लाइए और एकदम सेफ गेम खेल जाइए एसटी कैटेगरी में, 100% आपको आरएमएल दिल्ली एसटी कैटेगरी में मिल जाएगा इस साल। यहाँ पे आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी का खैर ग्राफ काफ़ी बड़ा और नीचे होता है, जाए देख के भी लगता है कि भैया आसानी से इनको कॉलेज मिल जाता है, बट एग्जैक्टली कटअप आपके पास इसी तरह का रहेगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मॉपअप राउंड में 2022 और 21 में कैसा रहा, इसको भी थोड़ा देख लो आप। 2022 की बात करोगे तो जनरल कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं था, ना 21 में खाली था। ओबीसी कैटेगरी में निश्चित तौर पर एक सीट था जिसमें 622 नंबर कटअप गया था यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पे कोई सीट आपको अवेलेबल नहीं दिख रहा है, ना तो 20 में, ना 21 में, ना 22 में। और एससी कैटेगरी में 497 गया था, इसको आप लास्ट ग्राफ नहीं बनाना कि इस साल भी यही रहेगा। मैंने आपको जो अभी बताया था कि एसटी कैटेगरी में आप 510 प्लस लेके चलो, वही सेफ होगा। अरे भैया एसटी कैटेगरी में 381 है, लेकिन एसटी कैटेगरी 410 प्लस लेके चलो, सेफ बनेगा भैया, तभी जाके आपको आरएमएल गारंटेड मिल जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए यही रहेगा इस बार का वीएम, ये आपके पास, सॉरी, ये आपके पास जो कटअप दिख रहा है ए वी पी, आपके पास जो अटल बिहारी वाजपेयी आईएमएस आरएमएल की बात कर रहा हूँ, तो यही कटअप आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपके पास इस तरह का कटअप का आंकड़ा रह सकता है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर का मार्जिन आपके पास हर कैटेगरी में देखने को इस साल मिलेगा, और इससे ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन करता हुआ नहीं दिखेगा। तो अगर आपका सपना है भैया कि आरएमएल दिल्ली में पढ़ना है, तो आपको मान के चलना होगा इतना नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा, यही रहेगा इस बार का कटअप। तो इतना टारगेट बना लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए, धमाकेदार तरीके से आपको एक एक न्यूज दूंगा और एक एक इंफॉर्मेशन आप तक अवेलेबल कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।